आपको जो बोलना है बोलिए, लेकिन आप उस रात के बारे में कुछ नहीं बोलेंगी, आप ऐसे कैरेक्टर के बारे में उंगली नहीं उठाएंगी। हर दिन सुबह उठ के रिग्रेट करता हूं कि क्यों मैंने प्राची के ऊपर डाउट किया, काश मैं ऐसा ना करता। पल्लवी, मैं ये बोलने आई थी कि हमेशा की तरह मैं गलत हूँ, प्राची सही है। रणवीर से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी मुझे। उन दोनों के रिश्ते पर फर्क पड़ता है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। रिया गलत है, प्राची सही है, 100 बार सुन चुकी हूँ मैं, ये सब नहीं सुनना है। और पल्लवी, मैं तो ये कहने आई थी कि ऑफिस की पूजा जब तुम कहोगी तब पंडित जी करेंगे। कल जब वो सत्यनारायण की पूजा के लिए आएंगे ना, तब ऑफिस की पूजा की सारी डिटेल्स देंगे। मैं तो ये सारी देने आई थी तुम्हें, कल पूजा में यही सारी पहनना, बाकी सबके कपड़े उनको दे दिए मैंने। लेकिन हाँ पल्लवी, गुस्से में ही सही, लेकिन तुमने जो बोला ना अभी सच कहा। माँ बाप चाहे कितनी भी गलतियां करें, लेकिन अपने बच्चों की खुशियां पहचानने में कभी गलती नहीं करते। आज जो मैं प्राची और रणवीर के लिए बोल रही हूँ ना, वो कई साल पहले तुम्हारे और विक्रम के लिए बोलती थी। इसी वजह से आज भी इतने सालों के बाद तुम दोनों का रिश्ता प्यार और भरोसे के साथ बना हुआ है। मैं सिर्फ एक माँ ही नहीं हूँ पल्लवी, एक सास भी हूँ, और सास होने के नाते मेरा फर्ज बनता है तुम्हारे साथ खड़े रहना, तुम्हारे हर सही फैसले में तुम्हारा हौसला बढ़ाना और हर गलत फैसले में तुम्हें टोकना। सास होना एक ओहदा ही नहीं है, एक जिम्मेदारी भी है। पल्लवी, बेटे की माँ होने के नाते तो ये रिश्ता बन जाता है, लेकिन ओहदा तब मिलता है जब हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। और हमारी जिम्मेदारी है कि अपने बेटे और बहू की जोड़ी बनाए रखना, उनका घर संसार बसाए रखना, ना कि उनको डिस्टर्ब करना। आपको क्या लगता है कि मैं अपने बेटे की गृहस्थी डिस्टर्ब कर रही हूँ? सवाल तो तुमने अच्छा पूछा है, लेकिन उसमें जिज्ञासा से ज्यादा शंका है। बड़ों के तजुर्बे पे कभी शक मत करना। और एक बात बताओ, तुम एक अच्छी सास बनने में फेल हो गई हो। कोई बात नहीं, दूसरा मौका हर किसी को मिलता है। कुछ ऐसा कर दिखाओ कि एक अच्छी सास साबित हो पाओ। आप जानती है ना मेरी बहू कौन? अच्छी तरह से जानती हूँ कि तेरी धर्म की बहू कौन है। कल 8:30 बजे पंडित जी आ जाएंगे, तैयार होके आ जाना। आलिया, इस लड़की से कह दो कि रणबीर मेरा बेटा है, मुझे कितना प्यार करता है, मेरी कितनी रिस्पेक्ट करता है, इसका सर्टिफिकेट मुझे इससे लेने की जरूरत नहीं है। वो क्या कहना चाहता था, उसका मतलब क्या था, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आलिया प्लीज, स्ट्रिक्टली टेल हर, माँ बेटे के बीच में आना मत। समझ आ गया या समझा दूं मैं तुम्हें? मैं समझ गई, आप लोग नहीं समझ रहे। मम्मी, रणबीर लव्स यू, आपसे बहुत प्यार करता है। आप, मुझे बस इतना ही कहना था। मैं पंडित जी को देखकर आती हूँ, कुछ चाहिए कि नहीं, तुम प्लीज गैस को संभाल लेना। अरे डैड, हाय हाय, लुकिंग वेरी नाइस। थैंक यू। रात भर सिर्फ काम करता रहा या सोया भी? थोड़ा काम किया, थोड़ा सोया, थोड़ा आराम। वैसे तू थोड़ा ज्यादा आराम करेगा ना तो मैं तुझे डांटूंगा नहीं। हाँ, एक टाइम था जब मैं तुझे बहुत सुनाता था क्योंकि तू कुछ काम नहीं करता था, लेकिन अब उसका उल्टा हो गया। अब तू इतना काम करने लगा है कि मुझे खुद पे गुस्सा आता है कि कहीं शायद मैंने तुझे ऐसा नहीं बना दिया। नहीं नहीं डैड, ऐसा कुछ नहीं है, कैसी बातें कर रहे हो? अगर ऐसा है भी, अगर तू मेरी बात सुन के ऐसा बन गया है तो मेरी एक और बात सुन ले। ये लाइफ है ना, एक ही बार मिलती है, इसे अच्छे से जी। अगर जिंदगी जीने की वजह खत्म हो जाए तो इंसान काम को जीने की वजह बना लेता है। कहाँ खो गया? कहीं नहीं, ये सोचा था जब मैं काम से ब्रेक लूंगा तो मैं घूमने कहाँ जाऊंगा। घूमने नहीं, ये कह कि जीने कहाँ जाऊंगा। हाँ, याद आए। अरे आप, जय भी आ गया। हाय जय, गुड टू सी यू। गुड टू सी यू सर। तुम सिर्फ हमारे घर में फेस्टिवल्स भी दिखाए थे तो कैसा है? ऑल गुड टू? कैसा? ऑल गुड।
तुम वैसे पूजा करने आए हो या काम करने? सर इसके लिए मुझे ने अपने बेटे को डांटी है, सुबह शाम काम 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 और कुछ नहीं। और तो सर आजकल फोन कर करके काम करवाता है। तुम और रणवीर साथ में पूजा में बैठो, पंडित का कहना है कि सत्यनारायण पूजा में शादीशुदा जोड़ा साथ में बैठता है। मैं ही बैठूंगी बूजी, क्योंकि मुझे देखकर उस प्राची को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उसे देखकर मुझे बहुत मजा आएगा। By the way, how am I looking? Nice? You always look beautiful. अब मुझे और रणबीर को साथ में पूजा में बैठना है तो अच्छा तो दिखना होगा ना। भगवान को लगना चाहिए ना कि मैं और रणबीर एक खूबसूरत कपल है। भगवान की बनाई हुई जोड़ी है, अच्छी तो लगेगी। मेरा भी मन कर रहा है कि आज ना बड़े बुजुर्ग की तरह एक नजर का टीका तुम्हें लगा दूं। टीका लगाओगे तो बूढ़े ना बन जाओ आप। Hey, anything for you. बहरे हो क्या? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम जवाब ही नहीं दे रहे हो। ऐसे देखे क्या जा रहे हो? देखो ऐसे दांत दिखाना बंद करो वरना तुम्हें घर से बाहर निकलवा दूंगी। नहीं जी मैडम जी, मेरा मतलब वो नहीं था। प्राची जी ना वो किचन में है। एक्चुअली सॉरी, मैं आपको देख नहीं रहा था। मतलब देख रहा था लेकिन वैसे नहीं देख रहा था जैसा आपको लग रहा है मैं देख रहा था। बोलना तो बहुत आता है, काम करना आता है? वही कर रहा था जी। वो तो दिख रहा है कितना काम कर रहे हो तुम। सॉरी, मैं वो एक्चुअली ट्रे लेने आ रहा था, आप टकरा गई। सॉरी। सॉरी मैडम जी। मैंने देखा अभी तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे। नहीं जी मैं कुछ करना नहीं चाहता था, एटीट्यूड दिखा रही थी फालतू में मुझे। तो तुम भी दिखाओगे, पता है ना क्या बन के आए हो। इसीलिए तो आपको सॉरी बोला जी, मुझे नहीं पता कि मैं आपके सिस्टर विस्टर। मेरी कोई सिस्टर नहीं है, वो प्राची की है। इनफैक्ट सिस्टर से भी ज्यादा, उससे बचकर रहना, बहुत दिमाग चलता है उसका। शक हो गया ना तो अपना काम नहीं कर पाओगे, समझे? ओके जी। नाउ लेट्स गो। जी जी। तुम्हें दिखाती हूँ प्राची पर कहाँ अटैक करना है। लेट्स गो। किसी और का इंतजार कर रहे? तुम्हारा ही कर रहा था। पूजा में बैठे हैं, कम से कम अभी तो झूठ मत बोलो। मुझे उकसाओ मत, क्योंकि अगर मैंने तुमसे सवाल पूछ लिया ना तो तुम झूठ नहीं बोल पाओगे। अब रिया उठो, बेटा कैसे गिरी तुम? हाँ आ जाओ, उठो, ठीक हो तुम? उठो वहां से, वो मेरी जगह है, समझी? तुम्हारा नाम लिखा है यहाँ पे। क्योंकि मैंने तो नहीं देखा। आज पूजा के दिन तो ये नाटक मत करो। घर की सुख शांति के लिए ये पूजा हो रही है, इसलिए तो बैठी हूँ। पता है ना तुम्हें, ये पूजा तभी सफल होती है, इसका सार्थक तभी होता है जब पति और पत्नी साथ में ये पूजा करते हैं। पत्नी धर्म पत्नी, इल्लीगल सौतनी जो तुम आ गई मुंह उठा के, तभी कह रही 10 कदम पीछे हट जाओ और शांति से हमें पूजा करने दो। पूजा शुरू होने से पहले इस घर की सुख शांति मत बिगाड़ो। आप लोग हाथ में पुष्प रखें और सत्यनारायण भगवान का ध्यान कीजिए। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे।
कलेश तो सबके घर में होते होंगे, लेकिन आज जो यहाँ होगा ना वो किसी के यहाँ नहीं होगा। तुम रस्सी काटना शुरू करो, और जब इस रस्सी का आखिरी धागा रह जाए तो रुक जाना, क्योंकि फिर ये रस्सी अपने आप कटेगी और झूमर गिर जाएगा। ओके मैडम जी, आज यू से मैं वहाँ जा रही हूँ और इंस्ट्रक्शन सुनते रहना। ओके जी। अब आप दोनों हवन कुंड में आहुति प्रदान कीजिए। हवन का कार्यक्रम संपन्न हुआ, अब हम लोग आरती प्रारंभ करेंगे। आप लोग आरती के लिए खड़े हो जाइए। क्या है? अरे कब से आपको फोन करा? रणवीर मेरे पीछे पड़ा वाले मैडम। अरे पैर में चोट लगी, कील घुस गया मेरे। वैसे मुझे हेल्प नहीं मिली ना, तो भाग नहीं पाऊँ। अगर मैं भाग नहीं पाए तो रणवीर मुझे पकड़ लेगा और मार मार के मेरा भुत्ता बना देगा, समझ रहे हो ना? और अगर मैं पकड़ा गया ना तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा, समझ रहे ना? देखिए मैडम जी, मैं फिफ्थ क्रॉस रोड पे हूँ, वहाँ पे सर्विस लेन की पार्किंग है ना, वहाँ पे ग्रे कलर की गाड़ी खड़ी है, उसी के पीछे छुपा। प्लीज जल्दी हेल्प भेजिए। ओके अरे प्रीति, कब से साफ ही कर रही हो, जल्दी साफ करो। क्या कर रही हो वहाँ? बाकी सब नौकर कहाँ हैं? आलिया मैं पकड़ा गया ना तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा, समझ रहे हो ना? रणवीर मुझे नहीं लगता वो यहाँ पे है, वो वहाँ भागा है। हाँ? चल यू राइट। ये तो पता लगा नहीं पाया मैं यहाँ पर हूँ, अपनी बीवी को खाक बचाएगा। अरे किधर जा रहा है तू, चलना। मुझे लगता है वो भाग गया, हम लोग वापस घर चलते हैं। चल फालतू में आलिया मैडम से हेल्प मांगी, ये तो बड़ी जल्दी हार मान गया। सुन के आपको शायद बुरा लगेगा, और अगर आपको बुरा लगेगा अभी तो मैं आपकी बात को समझूंगा, पर मैं आप सबसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप भी मेरी फीलिंग्स को समझें कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। I'm not afraid to die.
ये क्या हो रहा है? ठीक है, उसे पकड़ यार। उस आदमी ने मुझे खुद ये बात बोली कि वो यहाँ पे प्राची को मारने आया था। तुमने रणबीर को बता दिया कि तुम वहां प्राची को मारने आए थे? मैडम जी, पता नहीं पड़ा मुझे। तुमने रणबीर को यह भी बता दिया कि तुम्हें वहां किसने भेजा था प्राची को मारने के लिए? तुमने मेरा और रिया का नाम दे दिया रणबीर? नहीं नहीं मैडम जी, मैंने उसको ये नहीं बताया कि आपने और रिया जी ने मुझे भेजा था। लेकिन हाँ, उसे ये जरूर पता है कि किसी घर के सदस्य ने किया था। हाँ? जो प्राची को अपने रास्ते से हटाना चाहता है। सॉरी मैडम जी, मैं चलता हूँ मैडम जी। थैंक यू सो मच। अच्छा नहीं हुआ, रणबीर को पता चल गया कि घर का ही कोई आदमी है जो प्राची को, अब जब तक वो उस इंसान को ढूंढ नहीं लेता, आई एम श्योर वो चैन से नहीं बैठेगा। उस इंसान ने मुझे खुद साफ साफ ये बात बोली है कि जो प्राची को मरवाना चाहता है वो हमारे घर का सदस्य है। वो एक ऐसे टाइम पे घर पे आया जब घर में बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे, तो उसको डिफरेंस पता नहीं चला कि कौन घर का सदस्य है और कौन गेस्ट है। तो आज आप जितने भी गेस्ट हैं, आज के लिए मेरे घर के सदस्य हैं। आई होप आप सब मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे। आप सबसे पूछताछ करेंगे, पहले घर में आए गेस्ट उनसे हम सवाल करेंगे ताकि जो कोई भी हमारे शक के दायरे में नहीं आए वो घर जा सकेगा, और गेस्ट से पूछताछ करने के बाद हम फैमिली मेंबर से भी पूछताछ करेंगे। I'm really sorry for the inconvenience, लेकिन ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, तो आई होप आप लोग समझेंगे और मेरा साथ देंगे। प्लीज, हम समझते हैं रणबीर, हम सब आपको कोऑपरेट करेंगे। थैंक यू। आपको किसी पे शक है? किसी घर वाले पे या किसी मेहमान पे, या कोई ऐसी एक्टिविटी आपने देखी हो या कुछ ऐसा सुना हो, कुछ भी? अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि प्राची को सच में कोई मारना चाहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए इंस्पेक्टर, घर के बाहर प्राची के कौन दोस्त है, उसके जान पहचान वाले कौन है, किसी से उससे प्रॉब्लम है या नहीं, आई हैव नो आइडिया। अब उसकी किससे दुश्मनी है, कोई उससे कितनी नफरत कर सकता है कि घर में आकर उसे मारना चाहे, मैं नहीं जानती। इनफैक्ट प्राची तो किसी से झगड़ा भी नहीं करती, हमेशा सबके साथ अच्छे से रहती है, इनफैक्ट प्यार से बात करती है सबसे। यही तो आता है उसे, सबसे मीठी मीठी बातें कर, इतनी मीठी मीठी बातें करती है कि कभी कभार चिढ़ हो जाती है उसे। मतलब वो कहते हैं ना कि जब कोई इतना मीठा खा लेता है कि मीठा कड़वा लगने लगता है, वैसे ही वो। मतलब उनकी बातें आपको कड़वी लगने लग गई? उसका ओवर फ्रेंडली बिहेवियर से आपको प्रॉब्लम था? कुछ पता चला आपको? देखिए, हमने अपनी पूरी पूछताछ कर ली है, मुझे अब किसी से कुछ नहीं पूछना है। एवरीथिंग इज ओके? अरे हाउ इज एवरीथिंग ओके? यहाँ पे प्राची पे जानलेवा हमला हुआ है, आप कह रहे हैं एवरीथिंग इज ओके? नहीं, अटैक हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कल्प्रिट कहाँ है यहाँ पे? ऐसे कैसे यहाँ पे नहीं है? अरे कल्प्रिट ने मुझे खुद बोला है कि हम में से ही कोई है जिसने प्राची को मारने की कोशिश करी है, और आप कह रहे हैं कि नहीं है ऐसा? इन्होंने आपके फैमिली मेंबर पे अटैक कराया, आप उनकी बात पे भरोसा कर रहे हो? देखिए, जिस तरह टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता ना, उसी तरह क्रिमिनल की जुबान पे हम भरोसा नहीं कर सकते। अरे उस पे तो कोर्ट भी भरोसा नहीं करता, आप कैसे मान रहे हैं? पर रस्सी तो काटी गई है रब, और वो अकेले तो रस्सी काट ही नहीं सकता। हो सकता है कि उसके साथ कोई और भी आया हो जो पहले ही चला गया हो यहाँ से। देखिए, मैंने जिन लोगों से भी यहाँ पे पूछताछ की है ना, मुझे नहीं लगता उनमें से कोई भी गलत हो सकता, इसलिए हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन इंट्रोगेशन सिर्फ घर में नहीं, घर से बाहर भी करनी होगी। हो सकता है हम जिसे घर में ढूंढ रहे हैं वो घर में ना हो, बाहर कहीं हो, तो हमें अपनी तलाश बाहर करनी होगी।
ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, इनमें से ही कोई एक है जो प्राची को जिंदा नहीं देखना चाहता। ये क्या कह रहे हैं आपने तो कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि घर में से कोई नहीं। मैंने आपसे कहा था, लेकिन अब मैं बाहर आके आपको सच बता रहा हूँ, मेरी नजर में ऐसा कोई भी नहीं है जिस पे मैं भरोसा कर सकूं। सिर्फ आप हैं जिसे मैं क्लीन चिट दे सकता हूँ। बाकी ये लोग जितने भी है ना, वो सब ने अपने चेहरे पे मास्क लगा रखा है। ये अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और दिखाते हैं। कल फिर आपके घर में कोई एक है जो बाहर है, वो किराए का गुंडा है। इसे इनमें से ही किसी ने हायर किया था ये काम करवाने के लिए। सही कह रहे हैं, मुझे उस गुंडे ने खुद बोला था कि घर का ही कोई सदस्य है जो ये सब करा रहा है, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सा सदस्य है? और वो गुंडा हमारी गिरफ्त में भी नहीं है तो कैसे पता लगा? जी हाँ, बिल्कुल परेशान मत हुई, जल्दी ही पकड़ा जाएगा। इसीलिए सारी बातें मैं वहां पे नहीं करके यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता था कल्पित को ये लगे कि वो अनसेफ है, क्योंकि अगर वो अनसेफ फील करेगा तो अलर्ट हो जाएगा। उसे रिलैक्स रहने दीजिए, अगर वो रिलैक्स होगा तो जल्दी ही पकड़ा जाएगा। ऐसा क्या उस प्राची मैडम में जो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया? रणबीर सर प्राची मैम को इतना प्यार करते, इतना प्यार करते, वो कुछ भी कर सकते हैं। और उनकी आंखों में वो आंसू तक नहीं देखते और अटैक तो वो बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। वो जब तक तुम्हें सजा नहीं दिलवाएगी ना, वो बिल्कुल भी नहीं मानने वाले। तुझे पता है वो पड़ रहा है इन सब चीजों में। आलिया और रिया मैम का क्या है, वो तो बच जाएगी, फंसेगा तो तू फंस जाएगा। क्यों कर रहा है? मैं फंसने वालों में से नहीं हूँ, और अगर फंस भी गया ना तो पैसे मिलने वाले ना मेरे को, जमानत में छूट जाऊंगा, लॉयर हायर कर लूंगा। कहाँ के सपने देख रहा है, तुझे कोई पैसे वैसे नहीं मिलने वाले। किस काम के तुझे पैसे मिलने वाले? वो काम तुमने किया नहीं किया ना, तो क्यों पैसे मिलेंगे? अरे देंगे पैसे वो। क्यों देंगे? मैं कोई बहाना मार के उनसे निकाल लूंगा पैसा। क्यों जा रहा है तू इतना अंदर? मत पड़े अंदर, तो मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ। सुपारी लिया ना तो पान तो चबाना ही पड़ेगा। ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, इनके पास पैसा पावर सब कुछ है, ये लोग कुछ भी कर सकते। और देख लो रिया मैम को देख, रणबीर सर को पाने के लिए वो अपनी बहन की जान लेने तक नहीं सोच सकते, तो वो लोग कुछ भी कर सकते हो। तो क्यों बहन की जान लेना? ये खाना क्यों? काफी देर हो गई कुछ खाया नहीं, तुम्हें भूख लगी होगी इसलिए लेकर आई। नहीं एक्चुअली मैं बाहर से खा के आ गया था, बट थैंक्स तुम खाना लेके आई। मैं प्रीति को बोल के भिजवा दूंगा रूम में। मैं खाने के लिए लाई हूँ, वापस भिजवाने के लिए नहीं। पर मुझे अभी भूख नहीं लगी हुई। हाँ तो मत खाओ, पर ऐसे वापस मत भिजवा। अरे अजीब बात है, जब मुझे खाना ही नहीं है तो इसका क्या मतलब है? मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तुमसे क्या, मैं तो सबसे ऐसे ही बात करता हूँ। दीदा ने क्या कहा, भूल गए? गुड नहीं तो गुड जैसी बातें कर लेनी चाहिए। नाराज है ना? लोगों ने मनाना छोड़ दिया तो मैंने नाराज होना छोड़ दिया। नाराज हूँ मैं, लेकिन अपने आप से। और वो नाराजगी तुम मुझ पे उतार रहे हो है ना? नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, ना मैं अपनी नाराजगी तुम पे उतार रहा हूँ। मैं बस थक गया हूँ रूठते मनाते हुए, थक गया हूँ बिगड़े रिश्ते सवारते हुए। I'm just very tired. तुम्हें पता है एक टाइम ऐसा था कि मैं तरसता था कि तुम मेरे लिए ऐसा कुछ करो। एक हफ्ते पहले तक अगर तुम ये खाना लेके मेरे पास आती ना तो मैं खुशी से झूम उठता, लेकिन अभी मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है। आई एम नॉट फीलिंग वेरी हैप्पी। वक्त बदल गया है। नहीं, फीलिंग्स बदल गई। नहीं रणबीर, सब कुछ बदल सकता है, वक्त बदल जाता है, इंसान खुद बदल जाता है, पर फीलिंग्स जो होती है ना कभी नहीं बदलती, वो वहीं रहती। हाँ ये बात अलग है कि लोग फीलिंग्स को दिल के अंदर दबा लेते हैं। और मुझे पता है तुम क्यों नाराज हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ घर छोड़कर नहीं गई, पर मैंने तुम्हें बताया एंड आई स्टैंड बाय इट। घर छोड़ के जाने का मतलब है अपने परिवार को छोड़कर जाना, और मैं तुम्हें अपने परिवार से अलग नहीं कर सकती। तुम मुझे मेरे परिवार से अलग भी नहीं करना चाहते, तो मेरे साथ रहना भी नहीं चाहते। ये क्या हुआ? वो निक मुझे धमकी दे रहा है कि अगर मैंने उसे 7 लाख रुपए नहीं दिए वो रणबीर को जाकर सब कुछ बता देगा। मैं क्या करूंगी, कहां से लाऊंगी इतने पैसे? हाँ मिनी, बात पैसे किस बात की? मैंने उसे बोला
पर उसने कहा कि उसने वो काम कर दिया था और रणबीर ने आके बीच में उसे बचा लिया तो वो क्या करता? वो धमकी दे रहा है, या तो पैसे दो या घर वालों को सब कुछ बता देगा। उसने कहा उसने हमारी कॉन्वर्सेशंस को रिकॉर्ड किया था। That's why he's blackmailing us, God damn it! ये पैसे, ब्लैकमेल, क्या बातें हो रही है अंदर? जब मैंने ये बात सुनी ना, I was quiet. मैं बोलती भी तो क्या बोलती? He has a recording. मुझे हमें उसे पैसे देने होंगे, पर इतने पैसे मैं लाऊं कहाँ से? मैं तो ना कमाती हूँ, ना मुझे घर से पैसे मिलते हैं, you know it. मेरा तो कोई भी नहीं है, ना हस्बैंड, ना फैमिली, ना पैसे। बोल रही हो? मैं हूँ ना, मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हें दे दूंगी। आपके पास इतने पैसे? कुछ पैसे मेरे लॉकर में है, रात को निकालेंगे, ठीक है? फिक्र करने की कोई बात नहीं। हेलो जी। हाँ, उसका पता चल गया है, निक नाम है उसका, साकेत, सेक्टर नंबर 1 में रहता है। जी साहब। ऐसे पैसे निकलवाओगे हमसे ब्लैकमेल करके? तो मैडम जी, आपने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा, मुझे घी आसानी से दे दिया होता ना तो उंगली टेढ़ी ना करनी पड़ती मुझे। आज रात तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, 10:30 बजे मिलना। और लिसन, मैंने तुम्हें हायर किया है तो तुम बात सिर्फ मुझसे करोगे, रिया से कोई बात नहीं करना। तुम टाइम पर आ जाना, पैसे तुम्हारे मुंह पे मारूंगी। मुझे मैडम जी 2,000 की गड्डी मारना, वो क्या है ना कि खाने और ले जाने में आसानी होती है। मुझे मैडम जी, सी यू शार्प एट 10:30 PM। बदतमीज, चलो तुम्हारा बैग कहाँ है? लेट्स गो, कम ऑन। किसको पैसे देने की बात हो रही? बैंड या डूल वाले तो आए नहीं थे, फिर किसको हायर किया था इन्होंने? ये जरूर इन्होंने उसे हायर किया होगा जिसने प्राच पे झूमर गिराया। हाँ, कि वो ही होगा। ओह शिट, मुझे जाके रणबीर को बताना होगा, मैं उसे बताती हूँ जल्दी। रुक रुक शानन, रुक, पहले पता तो कर ले। हाँ, मुझे ना अब ये बुआ और भतीजी दोनों का पीछा करना चाहिए, पहले खुद अपनी आंखों से देखूंगी, उसके बाद जाके रणबीर को कुछ बताऊंगी।